हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं बुर्ज खलीफा देखने, और बुर्ज खलीफा में जाने के लिए पहले दुबई मॉल से जाना पड़ेगा। तो हम अभी दुबई मॉल घूमते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा का जो एंट्रेंस है वो दुबई मॉल के ग्राउंड फ्लोर से है, और मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल आने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। करीब आधा घंटा आपको लग जाएगा मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल आने के लिए। बुर्ज खलीफा की जो टिकट थी वो हमने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, जिसमें बुर्ज खलीफा, दुबई एक्वेरियम और अंडरवाटर जू इंक्लूड था, जिसकी टिकट की प्राइस कुछ पर पर्सन 264 दिराम थी, और 8 साल से नीचे बच्चे की जो टिकट की प्राइस थी वो 230 थी। टिकट की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, पर मोस्टली इवनिंग का जो टाइम होता है उसकी टिकट प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए हम लोग ने आफ्टरनून का स्लॉट जो है वो बुक किया। फाइनली गोइंग इन टू बुर्ज खलीफा, और ये लगेज रूम है। आपका कोई भी लगेज हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, और आपका जो मेल है आपने जिस पे टिकट बुक की थी वो मेल यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो बुर्ज खलीफा की टिकट देंगे। हाँ, बुर्ज खलीफा आपको बाहर से देखना है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, पर उसका रास्ता अलग से है। अभी हम क्यू में खड़े हैं, और ये देखिए हमें टिकट्स मिल चुकी है और अब हम एंटर हो रहे हैं अंदर। तो जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो बुर्ज खलीफा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, जैसे इस बिल्डिंग का काम जनवरी 2004 में स्टार्ट हुआ था, 6 साल लग गए थे इस बिल्डिंग को बनने में, अक्टूबर 2009 में इसका काम पूरा हुआ था और 4 जनवरी 2010 में इसकी ओपनिंग हुई थी। बुर्ज खलीफा ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है, और इसे बनने में $1.5 बिलियन लगे थे। यहाँ पे हर स्क्रीन पे बताया गया है कि कौन सी ईयर में कितना काम कंप्लीट हुआ था, जैसे 2006 में 50 लेवल कंप्लीट हुई थी, 2007 में 100 लेवल और 2008 में 160 लेवल कंप्लीट हुई थी। इसे बनने में ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, और इसे बनने के लिए एक दिन में 12,000 मजदूर काम किया करते थे। इस बिल्डिंग की हाइट एफिल टावर से भी 3 गुना ऊंची है। एफिल टावर की हाइट 300 मीटर है और बुर्ज खलीफा की 828 मीटर, इसीलिए बुर्ज खलीफा को वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल मिला है। बुर्ज खलीफा की एलिवेटर की बात करें तो यहाँ पे 57 एलिवेटर है, जिसमें 12 टू 15 पीपल की कैपेसिटी है, और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। और अब हम एलिवेटर के अंदर आ चुके हैं, और अब यहाँ का व्यू देखिए आप।
अभी हम पहुंच चुके हैं 125 फ्लोर पर और यहाँ का जो व्यू है, ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल, मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ का। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. अभी हम आए हैं 124th फ्लोर पे और यहाँ पे ये कैफ़े है जिसकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल है और यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है, अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी हो तो आप उनसे ले सकते हैं। ये ओपन स्काई डेक है जहाँ से आपको ये देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे तो बुर्ज खलीफा दिखता है और ये जो स्पॉट है वो फ़ोटोज़ के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक किए हैं।
हमें यहाँ पे आके 1 से 2 घंटा हो गया था, पर व्यू देख के ना मन ही नहीं भर रहा था। लेकिन हमें दुबई एक्वेरियम भी जाना था और अंडर वाटर जू भी देखना था, तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और दुबई एक्वेरियम गए। और उसका जो वीडियो है वो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसमें अगर मिक्स कर देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए वो मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखना, वो भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से निकलने के बाद हम गए कैफेटेरिया में, और कुछ खाने पीने के बाद हम गए अंडर वाटर जू देखने। और रात को 9 बजे कुछ हम बुर्ज खलीफा का नाइट व्यू देखने गए, और अमेजिंग व्यू था। खासकर मुझे फाउंटेन शो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। मजा कितना बहुत तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।